जबलपुर आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में हल्ला बोल प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार अपनी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में पूर्व में हड़ताल की गई। वहीं भोपाल में जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया तब अनुचित तरीके से 25 आशा उषा बहनों की सेवा समाप्त कर दी गई। वहीं भोपाल में आश्वासन दिया गया था कि आशा उषा सहयोगियों की मांगों को 15 दिनों के भीतर निराकरण कर लिया जाएगा, पर 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद आशा उषा कार्यकर्ताओं ने जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आशा उषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनके द्वारा सरकार के विरुद्ध प्रचार किया जाएगा कि सरकार ने जब उनकी नहीं सुनी तो जनता की क्या सुनेंगी। जहां आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबे समय से वह अपने मानदेय 10,000-15,000 करने को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, इसके बाद भी सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से आशा उषा कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही। जहां आक्रोशित आशा उषा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर धरना देते हुए नारेबाजी की। आज हम सभी बहनें जो धरने पे बैठे हुए थे पिछले 3 माह से, और आज हम लोगों ने मांग दिवस मनाया है क्योंकि भोपाल पे जाके हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, गृह मुख्यमंत्री जी के गृह निवास पे गए थे, वहाँ से भी आश्वासन मिला था कि आशा उषा पर्यवेक्षकों बहनों के लिए जल्द न्याय होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई न्याय नहीं हुआ है। साथ ही 25 बहनों को, ग्वालियर की बहनों को निकाल दिया गया अनुचित तरीके से। बस उनका कसूर इतना था कि वो मुख्यमंत्री जी से बात करना चाह रही थी, और लगातार आशा उषा कार्यकर्ता बहनों पे, पर्यवेक्षकों बहनों पे आक्रोश बढ़ाया जा रहा है, और अगर इस आक्रोश को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में चुनाव में सरकार भी ये जान लेगी कि जो ये हमारी वर्तमान सरकार है जिसे हमने चुना था, आप हमारे लिए क्या कर पाए। आप हमारे लिए अगर कुछ नहीं कर सकते और आप हमारे लिए कान पे रुई डालकर बैठे हैं, तो आने वाले समय में हम भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे और जन जन तक ये संदेश पहुंचाएंगे कि इतना देखिए, समाज सेवा दिन रात करने वाली बहनों को मानदेय के रूप में 2,000 मिलता है, इतने में उनके घर के कुत्ते भी बिस्कुट ना खाए, शायद इससे ज्यादा ही खाते होंगे, पर आशा उषा कार्यकर्ता से इन लोग 2,000 में काम करा रहे हैं, ये अन्याय है। और अन्य जो सरकारें हैं, अन्य सरकारें हैं अपनी आशा बहनों को, पर्यवेक्षकों बहनों को वेतन दे रही है, अतिरिक्त वेतन दे रहे हैं, अतिरिक्त वेतन में 11,000, 8,000, 7,000 ये सभी राशि सम्मिलित है, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार केंद्र से मिलता है, राज्य सरकार से कुछ नहीं मिलता। पूजा कुमारिया, प्रदेश महासचिव।